अभी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं माइक्रोफोन की, जो कि अपने YouTube या किसी की भी वीडियो बनानी हो तो बहुत यूजफुल हो सकता है। तो मुझे चाहिए था सबसे सस्ता और थोड़ा सा टिकाऊ ऐसा माइक्रोफोन। तो मैंने देखने के बाद बहुत सारे रिव्यूज पढ़े, कमेंट्स पढ़े, और उसके बाद मुझे लगा कि ये अच्छा होगा। ये बोया का है, ये ज़्यादा कुछ महंगा नहीं, बहुत ही सस्ता है। मुझे शायद ये 800 रुपये में मिला। ये यहाँ तक आने के लिए ऑलमोस्ट उसको 1 वीक लग गया। तो चलो देखते हैं कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और उसमें क्या क्या आया है। ओके, छोटा सा बॉक्स है, उसके साथ पॉकेट भी आया है। और इस पॉकेट में उसका सब सामान है। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के से माइक है जो कि बैटरी पे ऑपरेट होता है, इसमें बैटरी होती है। और ये माइक हम कहीं पे भी उसको अपने शर्ट पे लगा सकते हैं। इसमें उसका सेल भी आया है जो कि बैटरी, मुझे लगता है कि वॉच में भी वैसी सिमिलर बैटरी है। और ये कॉलर के लिए बटन है जो कि हम उसको ऐसे लगा के जो पिन है इसकी 3.1 mm की जैक हो सकती है, उतनी होगी, 3.1 mm की जैक होगी। और ये जो वायर है बहुत ही लंबा है, जो कि बहुत लंबा खींच सकता है। इसमें पहले से बैटरी है या नहीं है, शायद नहीं है, इसको खोल सकते हैं। और इसमें से हमको बैटरी डालनी पड़ेगी। इस तरह से हम इसमें बैटरी डाल देंगे। इसके बाद फिर से इसको बिठा देंगे। अब इसमें ये बटन है, ऑन ऑफ हो सकता है, ऑफ ही रहता है बाय डिफॉल्ट। चलो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके साथ उसका कुशन भी आया है माइक का, जो कि इसको से बिठा सकते हैं हम। क्वालिटी भी चेक करनी पड़ेगी कि कैसी क्वालिटी आती है। अभी कॉलर के लिए लगाने के लिए रेडी हो गया। चलो इसको कनेक्ट करके देखते हैं, जो कि मोबाइल के 3.1 mm का जैक अगर होगा तो इस पर उसको कनेक्ट हो सकता है। लैपटॉप पे भी कनेक्ट होगा, ये कैमरा पे भी लगता है। इसको ऑन करते हैं और ये जैसे ऑन किया तो ये उस पर नोटिफिकेशन आ गया। चलो इसको ट्राई करते हैं। हेलो हेलो, तो इस तरह से ये अपना बोए का माइक है, बहुत ही सस्ता। हो सके तो देखते हैं उसकी क्वालिटी कैसी आती है।
और ये टिकाऊ भी हो। जब तक मैंने देखा था इसकी बैटरी लगभग 4 से 5 महीने तक चलती है ऐसे सुना था, लेकिन इसका सेकंड वीडियो मैं आपको रिव्यू में डाल दूँगा कि ये कैसे कितना चला और इसकी क्वालिटी कैसी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।